देखिए दोस्त, आज हम रस के बारे में पढ़ेंगे। जो हिंदी में रस छंद अलंकार होते हैं उसी में का ये आज रस है। रस के भेद, रस के भेद मतलब कि रस कितने प्रकार के होते हैं। रस के भेद, रस जो होते हैं 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के, जिनको यहाँ पर लिख दिया गया है 9 प्रकार के रसों को। और उसका अस्थाई भाव भी लिख दिया गया है। देखिए श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। क्या होता है? रति, श्रृंगार रस रति। और देखिए हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव जो होता है हास होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। रौद्र, रौद्र से ही समझ में आ रहा है कि जहाँ क्रोध होगा वहां पर रौद्र होगा। रौद्र का स्थायी भाव क्रोध होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय, जहाँ भयानक होगा वहां पर भय होगा, इसलिए भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय है। इसी प्रकार विभत्स रस का, विभत्स रस का जुगुप्सा हो गया है। विभत्स रस का जुगुप्सा हो गया है। अद्भुत रस का, जहाँ अद्भुत होके वहाँ आश्चर्य का प्रकट होता है, आश्चर्य प्रकट होता है, इसलिए अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य हो गया। उसी प्रकार देखिए शांत रस, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। फिर देख लीजिए श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। और हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास का मतलब हंसना, मतलब कि हास्य रस का स्थायी भाव, हास्य रस का स्थायी भाव हास है। हास्य हास, हास्य हास्य, हास्य हास। यहाँ हास्य रस का स्थायी भाव हास हो गया। और देखिए करुण रस, करुण रस मतलब कि दुख के बारे में बता रहा है। करुण का रस का स्थायी भाव क्या होगा? शोक होगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? शोक होगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। भयानक रस का स्थायी भाव भय हो गया। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य। और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। बस इतना ही, 9 रस है। 9 रस को याद करना है। ये लगातार परीक्षाओं में पूछता है, जो जो पढ़े हैं उनको बारे में पता होगा कि ये पूछता है कि नहीं, हमको बताने की जरूरत नहीं है।